नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं केसी आर्या। करनाल के सिंगड़ा गांव में बाबा राम सिंह द्वारा की गई आत्महत्या और शहीदी दी गई किसानों के जो आंदोलन है उससे वो काफ़ी आहत है और उनका यही कहना था कि जो किसान आंदोलन है सरकार द्वारा उन जो उनकी मांगे हैं वो नहीं मानी जा रही और भरी सर्दी में, कड़ाके की सर्दी में यहाँ पर वो पहुँच रहे हैं। जो किसान बैठे हैं धरना प्रदर्शन पर, इसी को लेकर वो काफ़ी दुखित है, जिसको लेकर उन्होंने ऐसा कदम उठाया और उनकी मांग यही थी कि किसान की जो मांग है वो सरकार जल्दी है जल्दी माने। आज उनका जो पार्थिव शरीर है वो करनाल के यहाँ सिंगड़ा गांव में जो गुरुद्वारे में जिसमें रहते थे, लगभग 30 साल से वो यहाँ पर सेवा कर रहे थे और 30 साल से लगभग गुरुद्वारे में रह रहे थे। आज उन्होंने अपनी जो शहीदी दी है इसी को लेकर यहाँ पर आज सभी लोग दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। जो संगतें यहाँ पर पहुँच रही हैं उनसे भी हम बात करेंगे। सर, यहाँ पर आज क्या बाबा जी का संस्कार कब किया जाए, कुछ पता नहीं जी? कोई पता नहीं जी, आज तो दर्शनों के लिए सब संगतें ऑल ओवर हरियाणा, पंजाब, ऑल ओवर उत्तरी भारत के और यानी कि देश विदेश से सब आएंगे आज दर्शनों के लिए। कल के संस्कार की बताई जा रही है कि वो कल संस्कार किया जाएगा, तो ऐसा अनुमान है जो महापुरुषों का सब सोच समझ के जो इलाका है सब यही कह रहे हैं। बाबा जी यहाँ पर कब से रह रहे थे, उनका परिवार का यहाँ पर क्या? ये परिवार का तो उनका कोई लगाव ही नहीं जी, जब से मेरे ख्याल में 40 40, हाँ जी, सन 90 में ये संत बाबा राम जी यहाँ आए। उससे पहले जंग शहीद बाबा जंग सिंह जी थे, वो भी दिल्ली शहीद हुए, ये भी 90 के बाद आए। इन्होंने भी किसानों का देख कर दर्द सहा नहीं जा, इसलिए इन्होंने भी अपना अपनी खुदकुशी कर ली। तो बाबा जी कैसे उसके शांत उसके थे? हाँ जी, शांत समाज सेवा, सभी बरादरों की समाज सेवा के वो थे महापुरुष। तो उन्होंने किसानों के लिए शहीदी दी, तो कुछ कहना चाहेंगे? जो किसानों की जो आंदोलन चल रहा है वो वहाँ गए थे, कहीं ना कहीं आहत हुए? हाँ तो लगी है जी, किसान वो सब 36 बरादरियों के महापुरुष थे, जहने जिन्होंने बुलाया वहाँ जाना ही जाना है, लेकिन उन्होंने वहाँ प्रेरणा जिस भी धर्म का है उसी तरह प्रेरणा की। तो वहाँ 36 बरादरियों के किसान हैं, उन्हीं किसानों से उनके दुख देख के तो जो जरा नहीं जा उसके बारे में उन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली। तो हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं कि क्या कहना चाहेंगे। सर, बाबा जी के बारे में क्या जानकारी थी, कैसे? बाबा जी एक बहुत ब्रह्मज्ञानी महापुरुष थे, तो सारे ऑल वर्ल्ड में उनका नाम था जी। तो उन वर्गे जो संत महापुरुष कोई बिरला ही होता है, तो सारे समाज के सांझे थे, वो सब धर्मों को एक्सपेक्ट करते थे। तो उन्होंने जब ये धरने पर, किसानों के धरने पर गए हैं, तो उस टाइम देखा जब बच्चे और ये महिलाएं, बुढ़िया औरतें देखी हैं, इतनी ठंड में बैठे हुए हैं और ठंड से ठिठुर रहे हैं, तो उनके मन में एक बहुत गहरा जख्म हुआ उस बात का, तो वो सहार नहीं सके। एक तो किसान भी जो अपने आंदोलन के लिए, अपने हक के लिए लड़ रहे थे, वो किसी से कुछ नहीं मांग रहे, वो सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं। उसमें बाबा जी अपने दिल में ये बात सहार नहीं सके कि उस किसानों की गवर्नमेंट कोई बात नहीं सुन रही। तो उन्होंने ये सोचा भी कोई अपना योगदान दे रहा है, कोई अपना मेटल वापस करके दे रहा है, कोई वहाँ लंगर लगा रहा है, तो कोई किसी तरीके का आंदोलन में अपना हिस्सा पा रहा है, तो हम तो अपना आत्मदाह ही कर देते हैं, तो इससे ऊपर हम और कुछ नहीं कर सकते। इसलिए ये बहुत बुरा हादसा हुआ है जी। संस्कार कल 11 बजे होगा? संस्कार कल 11 बजे का रखा गया है जी। तो संगत ऑल वर्ल्ड से भी आनी है और हिंदुस्तान के कोने कोने से संगत बाबा जी आ भी रहे हैं जी, रात की संगत आ भी रही है। क्या नाम है आपका? अजैब सिंह निसंग विरक। ये थे अजैब सिंह निसंग विरक और आप देख रहे हैं कि लोग बहुत ही आहत हैं और रो रो के अपना दुख। बाबा जी असी किवें तुहानूं मिला, कित्थे दर्शन करांगे बाबा जी? बाबा जी असी नहीं बच सकते तुहानूं तू बिना। बाबा जी सानूं अग्गू हो गए संतां महापुरश, एडे भोले सा
ਸੰਤ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਾਂਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜੀਣਾ ਦੱਸ ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਾਂਗੇ ਦੇਖੇ ਆਪਣੇ ਦੇਖਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੈ ਦੁਖੀ ਮਨ ਸੇ ਯਹਾਂ ਪਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨੋਂ ਕੇ ਲੀਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਕਾਫੀ ਆਹਤ ਹੈ ਉਨਕਾ ਏਕ ਹੀ ਮਕਸਦ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੋ ਥੇ ਵੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਸੰਤ ਥੇ ਔਰ ਉਹਨੇ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਹੈ ਵੋ ਕਿਸਾਨੋਂ ਕੇ ਹੱਕ ਮੇਂ ਦੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨੋਂ ਕੇ ਲੀਏ ਵੋ ਚਾਹਤੇ ਥੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨੋਂ ਕਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਸੇ ਜਲਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ ਵਹਾਂ ਪਰ ਬੈਠੇ ਹੈ ਕਿਸਾਨੋਂ ਕੇ ਉਸਮੇਂ ਵੋ ਕਾਫੀ ਦੁਖੀ ਹੈ ਸਰਦੀ ਮੇਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹੈ ਉਨਕੋ ਦੇਖ ਕਰ ਵੋ ਕਾਫੀ ਆਹਤ ਥੇ ਔਰ ਇਸੀ ਕੋ ਲੀਏ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੋਂ ਕੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਮਾਨ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਸੇ ਵੋ ਕਾਫੀ ਦੁਖੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸੀ ਕੋ ਲੇ ਕਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਹੈ ਕਹੀਂ ਨਾ ਕਹੀਂ ਉਨਕੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਥਾ ਔਰ ਇਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੇ ਵੋ ਪਿਆਰ ਕਰਤੇ ਥੇ ਔਰ ਸੰਗ ਜੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਔਰ ਕਿਸਾਨੋਂ ਕੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਹੈ ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੇ ਅੰਦਰ ਉਨਕਾ ਪਾਰਥਿਵ ਸਰੀਰ ਰੱਖਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਦਰਸ਼ਨੋਂ ਕੇ ਲੀਏ ਅੰਦਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ 11 ਵਜੇ ਜੋ ਉਨਕੇ ਪਾਰਥਿਵ ਸਰੀਰ ਕੋ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਅੰਤਯੇਸ਼ਟੀ ਕੋ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਆ ਜਾਏਗਾ ਫਿਲਹਾਲ ਸੰਗਤ ਯਹਾਂ ਪਰ ਆਨਾ ਸੁਣੋਗੇ ਆਖਰੀ ਦਰਸ਼ਨੋਂ ਕੇ ਲੀਏ ਆ ਰਹੇ ਆਪ ਕਿਸ ਲਈ ਆਏ ਆਪ ਯਹਾਂ ਪਰ दर्शन करने बाबा जी के क्या कहेंगे बाबा जी कैसे दबाव के थे संगत का कितना प्यार था उनका उनका तो इतना प्यार था ना कहने की हद नहीं है उन्होंने आप कितने दिनों से जानते आते थे यहाँ पर बाबा जी तो बहुत दुख लगा मन बाबा जी के साथ से उसी थे बाबा जी यहाँ कब से रह रहे थे बाबा जी बहुत जब बाबा जंग सिंह जी जब चोला छोड़ के जब के रह रहे हैं तो बाबा जी संगत से कितना प्यार आता बहुत ज्यादा प्यार बाबा जी कहते माँ बाप से भी ऊपर प्यार करते थे जाने का दुख है बहुत दुख अपने अंधेरा अंधेरा दिखता है कुछ नहीं नजर आ रहा तो ये थे देखो संगत है काफी दुखी है मन से काफी आहत है और यहाँ दर्शन करने के लिए अब संगते आना शुरू होगी सभी दूर दूर से जो कह रहे हैं कि वो संगते हैं देश विदेश से यहाँ पर आएंगे और दर्शनों के लिए यहाँ पर अंदर आना